इस बार का एप्पल इवेंट काफ़ी स्पेशल होने वाला है। जनरली एप्पल अपने फ़ोन में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करती, लेकिन इस बार के आईफोन 15 सीरीज के लॉन्च इवेंट में फ़ोन के डिजाइन से लेकर फीचर्स तक में काफ़ी बदलाव देखने को मिलेगा। ये जो एप्पल का लॉन्च इवेंट है 12 सितंबर को होने वाला है, लेकिन उससे पहले आईफोन 15 सीरीज की डिटेल्स सामने आ चुकी है। अगर आप लोग ये फ़ोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो इसके डिटेल्स ज़रूर देखें, ताकि आप लोग को पता चल सके कि आईफोन 15 आईफोन 14 सीरीज से कितना अलग है और ये फ़ोन आपको लेना चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों, आईफोन 15 सीरीज में चार मॉडल होंगे, जिसमें आईफोन 15 6.1 इंच का, आईफोन 15 प्लस 6.7 इंच का। इसके अलावा दो और मॉडल है, एक आईफोन 15 प्रो 6.1 इंच और दूसरा आईफोन 15 प्रो मैक्स 6.7 इंच का। इन सभी में खास बात है कि आपको डायनेमिक आइलैंड कटआउट देखने को मिलेगा, जबकि ये फीचर आईफोन 14 सीरीज के प्रो और मैक्स मॉडल में दिया गया था और दोनों की प्राइस 1 लाख से ज़्यादा थी। लेकिन ये फीचर आईफोन 15 सीरीज के बेस मॉडल में ही मिल जाएगा और जो इसकी प्राइस है लगभग 70,000 होने वाली है। इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसमें OLED डिस्प्ले मिलेगा जो 28 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बना है, और ये जो डिस्प्ले है बैटरी का कंजप्शन कम करती है, इस वजह से बैटरी लंबी चलेगी और इस बार बैटरी के पावर को भी अच्छा खासा बढ़ाया गया है। आईफोन 15 मॉडल में 3877 mAh की बैटरी, तो वहीं 15 प्लस में इसे बढ़ाकर 4952 mAh की कर दी गई है। इसके बाद फिर से 15 प्रो मॉडल में बैटरी पावर कम करके 3650 mAh की कर दी गई है और 15 प्रो मैक्स में 4852 mAh की बैटरी दी गई है। दोस्तों, यहाँ जिस भी मॉडल की स्क्रीन साइज बड़ी है उसमें एक बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी। इसका कारण है कि बड़ी स्क्रीन ज्यादा बैटरी का यूज करती है। फोन में आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सिर्फ प्रो और मैक्स वेरिएंट में ही मिलेगा, इसके स्टैंडर्ड वेरिएंट में ये फीचर नहीं रहेगा। और इस बार कंपनी ने फोन के बेजल को काफी पतला कर दिया है, इस वजह से स्क्रीन की साइज आपको बड़ी देखने को मिलेगी। आईफोन 15 सीरीज के प्रो और मैक्स वर्जन पहले से ज्यादा प्रीमियम होने वाले हैं, क्योंकि इस बार कंपनी बैक में फ्रॉस्टेड ग्लास का यूज कर सकती है और इन दोनों वेरिएंट के फोन में टाइटेनियम फ्रेम का यूज करने वाली है। दोस्तों, इस बार आईफोन 15 सीरीज में सबसे बड़ा जो चेंज होने वाला है वो है इसका पोर्ट। पहली बार एप्पल कंपनी लाइटिंग पोर्ट के जगह USB-C पोर्ट यूज करने वाली है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के रूल रेगुलेशन के अनुसार यूरोप में सिर्फ टाइप सी पोर्ट वाले फोन ही सेल होंगे। लेकिन एप्पल कंपनी इस टाइप सी पोर्ट वाले फोन को सिर्फ यूरोप के लिए नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए डिजाइन करेगी। लेकिन दोस्तों, इस टाइप सी पोर्ट की खास बात यह होगी कि यह किसी भी टाइप सी केबल को सपोर्ट नहीं करेगी, बल्कि इसे चार्ज करने के लिए एप्पल कंपनी के सर्टिफाइड केबल की जरूरत पड़ेगी। और एक खास बात है कि फोन में जो टाइप सी पोर्ट यूज किया जाएगा इसमें भी वेरिएशन देखने को मिल सकता है। इसके प्रो और मैक्स मॉडल में USB 3.2 या थंडरबोल्ट 3 का यूज किया जा सकता है। अगर USB 3.2 यूज होता है तो डेटा ट्रांसफर करने की स्पीड 20 GB/s होगी, और वहीं अगर थंडरबोल्ट 3 यूज होता है तो डेटा ट्रांसफर करने की स्पीड 40 GB/s तक जा सकती है। जबकि आईफोन 15 के स्टैंडर्ड मॉडल में फाइल ट्रांसफर करने की स्पीड लाइटिंग पोर्ट जैसा ही रहेगा। दोस्तों, इस बार आईफोन 15 सीरीज में एक और बहुत बड़ा बदलाव किया जा रहा है। जो इसमें सालों से म्यूट बटन दिया जा रहा था, इसे एक एक्शन बटन से रिप्लेस कर दिया जाएगा, जैसा कि एप्पल वॉच अल्ट्रा में दिया जाता है। इस एक्शन बटन से म्यूट के अलावा काफी सारे फंक्शन को अपडेट कर पाएंगे। अब अगर इस सीरीज के प्रोसेसर की बात की जाए तो इस बार फोन में A17 बायोनिक चिप मिलने वाला है जो 3 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बना हुआ है। इससे आप समझ सकते हैं कि फोन से जो आउटपुट मिलने वाला है वो नेक्स्ट लेवल का होगा, चाहे गेमिंग हो, कैमरा प्रोसेसिंग हो, सब कुछ बहुत ही स्मूथ ही होगा। लेकिन A17 चिपसेट सिर्फ प्रो और मैक्स मॉडल में ही मिलेगा, बाकी के दो मॉडल्स में A16 चिपसेट मिलेगा। वैसे दोनों चिपसेट A16 और A17 के परफॉर्मेंस में ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये डिफरेंस कितना होगा फोन लॉन्च होने के बाद दोनों चिपसेट को एक साथ टेस्ट करने के बाद ही पता चल पाएगा। रैम स्टोरेज में प्रो और मैक्स में 8 GB RAM और बाकी के दो मॉडल्स में 6 GB RAM मिल सकती है। दोस्तों, आईफोन 15 सीरीज के कैमरा सेटअप में भी चेंजेस देखने को मिलेगा। आप लोगों को पता होगा कि इससे पहले जो 14 सीरीज आई थी उसके स्टैंडर्ड वेरिएंट में 12 MP का कैमरा दिया गया था और उससे ऊपर के मॉडल में 48 MP का कैमरा दिया गया था। लेकिन इस बार आईफोन 15 सीरीज के सभी मॉडल में 48 MP का कैमरा मिलने वाला है, और जो डिटेल्स निकल के सामने आई है उसके अनुसार 48 MP कैमरा में सोनी का सेंसर होगा। आईफोन 15 प्रो और मैक्स मॉडल में पेरिस्कोप लेंस मिलेगा जो 6x तक जूम करेगा। इससे पहले के फोन यानी कि आईफोन 14 प्रो और मैक्स में 3x तक ही ऑप्टिकल जूम कर सकते थे। दोस्तों, ये थे आईफोन 15 सीरीज में होने वाले चेंजेस जो कि हमें फोन में मिल सकते हैं, और फोन की एक्चुअल में पूरी डिटेल्स जानने के लिए इसके लॉन्च इवेंट तक वेट करना होगा।